आपके घर में आए आप हमको भगाओगे? अतिथि देवो भव की तरह मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं आपके शहर में प्रोटेस्ट अपने हक की मांग आपके घर में आकर के अपने खून पसीने से जिस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं, अगर अगर उनमें इतना ही है तो आए हमारे साथ महीने दो महीने मुखर्जी नगर के वो छोटे छोटे जो कमरे बने हुए हैं ना उनमें रुक करके दिखाएं, उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी किस तरीके से बच्चे वहां में किस तरीके हम अपनी मेहनत की ही तो मांग कर रहे हैं। तो क्यों भाई हमारी मेहनत की मांग आप नहीं देना चाहते हो? क्यों मांग नहीं देना? ये सुबह जो है यहाँ पर जितने भी नेता हैं ठीक है मैंने सबका स्वागत किया, किसी के साथ कोई भी छात्र के द्वारा सबको सुना गया, सबको मौका दिया गया, सब आका आकर चले गए मैं आपके समर्थन में, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। आप आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सिर्फ और सिर्फ जो हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं जिस दुख और दर्द से यहाँ आए हैं हमारा वो आप लोगों के कहने का मतलब की राजनीति हो रही है, बिल्कुल हो रही है। पॉलिटिकल तरीके से हमको यहाँ भगाने का प्रयास किया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी बहुत मजबूती से रुके और रुके रहेंगे। तोड़ कोई नहीं पाएगा, कोई नहीं तोड़ पाएगा, लगातार वो प्रयास इसका कर रहे हैं, निरंतर प्रयास करते रहे लेकिन उसको तोड़ नहीं पाएंगे। हम अपने खून पसीने की हक की मांग कर रहे हैं, फर्जी मांग करते होते तब तक भाग गए होते हैं यहाँ से भाई साहब। हम खून पसीने की मांग कर रहे हैं, हम फिर उनसे कहते हैं अगर उनको नहीं विश्वास है ना तो मुखर्जी नगर में आकर के देखें, हमारे साथ रह करके देखें, वहां पर एक महीने रह करके देखें, अगर उनको अपने माँ की छठी का दूध याद नहीं आ जाए तब हमसे कहें। भाई साहब ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये आप सोच रहे बहुत नहीं है, हमारा दुख दर्द हमारा ही नहीं है, ये यहाँ जितने लोग पीछे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं पैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इन लोगों के शरीर बहुत है लेकिन भाई साहब इस समय आत्मा और दर्द सभी का एक है। शरीर तो बहुत है लेकिन आत्मा दर्द सभी का एक है। हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है आपसे कि कृपया हमारी दो माच, और इतना ही तो मांग रहा हूँ यार। आप कहते हो कि जो है 65% युवा की बात करते हो, यार युवा रोडों पे पड़ा हुआ सात दिन से युवा रोडों पर पड़ा हुआ, किस 65% युवा की बात करते हो? कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भाई बेटियों को इस तरीके से पढ़ाओगे फिर यहाँ रोड पर बिठाओगे? बताइए, मैं इसमें अगर ये कह रहा हूँ मैं गलत कुछ कह रहा हूँ, और उसके बाद में अगर कुछ हो जा रहा है हम लोग फेसबुक पर भी कुछ लिख करके भेज रहे हैं, वहाँ भी सारा ब्लॉक कर दिया जा रहा है, हर जगह से हमको डराया धमकाया जा रहा है, हर तरीके से वो जो संभव हर संभव जो प्रयास कर सकते हैं वहाँ पर। यहाँ मनोज